Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यूपी की राजनीति ही देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाती रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी ने सोमवार से समाजवादी पीडीएम यात्रा निकाल रही है। यात्रा सोमवार को लखनऊ में शुरू हो गई है और इसके बदले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाने वाली है। फिर साइकिल पर सवार हो गए अखिलेश यादव। समाजवादी पीडीए यात्रा की शुरुआत पार्टी के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साइकिल चलाकर किया। बता दें कि इस यात्रा में उनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ तमाम कार्यकर्ता साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने सरकार के दौरान बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट से होते हुए यात्रा जनेश्वर पार्क तक ले गए। अब सवाल यह है कि पीडीए यात्रा एक्चुअली है क्या? तो समाजवादी पीडीए यात्रा लखनऊ, राजधानी लखनऊ में कई इलाकों से होकर गुजरेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव यात्रियों का स्वागत कर खुद साइकिल पर सवार हुए। बता दें कि यूपी चुनाव 2012 से पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाली थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया तकरीबन 6 महीने से पीडीए का जिक्र कर रहे हैं और इस पीडीए से उनके मायने हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। पहली बार सपा ये यात्रा निकाल रही है जिसका नाम समाजवादी पीडीए यात्रा दिया गया है। अब इसके मायने समझते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा क्षेत्रों में 25 से ज्यादा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग से आने वाले सांसद करते हैं। ओबीसी नेता का दावा है कि राज्य में ओबीसी समुदाय की आबादी 56% तक है। हालांकि हाल के निकाय चुनाव से पहले बनाए गए एक आयोग ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा था कि प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36.77% के आसपास है। और इसी आंकड़ों को लेकर जो अखिलेश यादव है वो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में फायदा हो उनको। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इससे फायदा होने वाला है? बताइएगा। धन्यवाद।